अगर हमको पोटेंशियल दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे हम, ग्रेडियंट ले लेंगे, माइनस डेल वी और डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी और डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी और डेल जेड के कैप, यही करेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा चीज दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, कहाँ पे पूछ रहा है, कहाँ पे पूछ रहा था, 4, 5, 6 पे, 2, 6, और हमको पोटेंशियल दिया था 1, 2, 3 पे 10 वोल्ट, और यहां पे हमको चाह था, यही दिया था क्वेश्चन। इस बार क्या लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये कब लगाते हैं, जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके पोटेंशियल पूछे, पोटेंशियल दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो ई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, क्लियर है बात। चलो देखो कैसे लगाते हैं, कैसे लिमिट रखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ डेल वी पोटेंशियल की लिमिट कहां से कहां तक है भाई, लोअर लिमिट पे 10 दे रखा है, अपर लिमिट पे वी मान लेते हैं, जो हमको पता करना है क्या है भैया। इधर देखो ई को क्या लिखेंगे, ई को जो भी है यहाँ पे लिख दो, 3xi कैप माइनस 3y² j कैप डॉट डेल आर क्या हो जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप, dz k कैप भी लिखते हैं, लेकिन k कैप की साफ साफ पता चल रहा है कोई नीड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड k कैप पे डिपेंडेंसी है। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखो 3x dx, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन भी लगा रहेगा भाई, ध्यान देना, माइनस साइन की वजह से कल भी बताया था दिक्कत होती है, 3x dx माइनस 3y² dy। देखो अच्छा तो ये होता है कि दोनों इंटीग्रल को क्या करो, अलग अलग सॉल्व कर दो, कर सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो जरा इनिशियल पे 1 है, वहां से 1 से 2 पे पूछ रहा है, 1 से 2, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 4, z की लिमिट तो ऐसे ही दे रखी है, इसका कोई नीड ही नहीं पड़ा। समझ में आई बात, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, लास्ट सीट पे बातें मत करो बेटा, यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं, कुछ भी नहीं किया, डेल वी इक्वल टू ई डॉट डी आर किया, ई ए हो गया, डी आर क्या हो गया, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो सिंपली यहां रख दिया। अब क्या होगा देखो, अच्छा इधर डेल वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट वी, तो ये आ जाएगा वी माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस को बाहर ही लेकर के चल रहे हैं, आसान रहेगा काम, 3 बार आ जाएगा एक्स डी एक्स से क्या होगा बोलो फटाफट से, x² / 2, तो भी बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर का सिर्फ लिमिट लगाओ 1 से लेकर 2 तक, माइनस इधर भी 3 को बाहर निकाल लो, वाई स्क्वायर का हो जाएगा y³/3, 3 बाहर निकाल लो, यहाँ पे वाई क्यूब रखो सिर्फ 1 से लेकर 3 तक, बोलो यहाँ भी कोई कठिनाई नहीं है, ओके 2 से लेकर 4 तक, थैंक यू, जाग रहे हो सब लोग। ये आ जाएगा v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3/2, अपर लिमिट रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3/3 से तो कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, क्या आ जाएगा v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 9/2 माइनस 64 - 8 मतलब कि 56, v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 9 - 56, 56 × 2 हो जाएगा 112/2, देख लेना भाई ध्यान से, यही आएगा ना, v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 103, तो 103/2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और ये प्लस में इधर आ जाएगा, ये हाँ ये आ जाएगा 50 51.5 + 10 61.5, ये वोल्ट लिखा हुआ है, ये पोटेंशियल लिखा, ये यूनिट है ना, ऐसे नहीं वी वी भी कट कर दिया, ठीक है, नहीं वो अच्छे कर सकते, ठीक है, वो यूनिट लिखी है वोल्ट, यही आंसर कितने लोग का?